हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक पर बहुत ही कम लोग काम करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ड्रॉ ईयर। तो आज हम साइड प्रोफाइल बनाएंगे ईयर की। ईयर की शेप को ड्रॉ करने के लिए आप रेफरेंस ले सकते हैं। मैंने स्क्रीन पर दो तीन एग्ज़ाम्पल शेयर करे हैं आपके साथ, अलग अलग तरीके के, तो आप फॉलो करिए, या मैं जिस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ आप उस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। आमतौर पर देखा जाता है, जब भी ह्यूमन फिगर ड्रॉ करने की बात आती है तो 90% लोग कान जब भी ड्रॉ करते हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं करते हैं, तो अवॉइड करते हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि जितना ये देखने में सिंपल लगता है ये बन जाएगा आराम से, बट इसकी ड्राइंग को समझना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। जब आप ड्रॉ करेंगे आप देखिए, आपसे पक्का गलती होगी, तो आप खुद अटेम्प्ट करके देखिए इसकी ड्राइंग। ड्राइंग इसकी शेडिंग से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपको समझना पड़ेगा कि इसकी शेप है जो उसको आपको अच्छे से समझना ज़रूरी है। 2B पेंसिल की हेल्प से हमने यहाँ बेस लेयर अप्लाई कर दी है। आई एम जस्ट अप्लाइंग अ सेकेंड लेयर यूजिंग अ 5B पेंसिल। ध्यान रहे, जब हमने फर्स्ट लेयर बेस लेयर अप्लाई करी थी उसमें हमने पूरी ड्राइंग को शेड किया था एक ही पेंसिल से। यहाँ हम 5B पेंसिल यूज कर रहे हैं, और ड्राइंग के साथ साथ अब हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा डार्क करें ड्राइंग के साथ साथ, आउटलाइनिंग के साथ साथ। यहाँ हम नीडेबल इरेजर यूज़ कर रहे हैं ग्रेफाइट को रिमूव करने के लिए। एट बी पेंसिल टू अप्लाई मोर शेडोज। आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा, जितने ज़्यादा आप लेयर्स अप्लाई करेंगे और उतने रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे। और ज़्यादा लेयर्स के लिए आपको ध्यान रखना होगा, पेंसिल को हमेशा बहुत ही लाइट प्रेशर से हमें यूज़ करना है, और जितना स्लांट हो शेडिंग के लिए उतना हम स्लांट पकड़ें उसे, तो ज़्यादा हमें अच्छा रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ हम थोड़ा सा बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं अभी। आप चाहें तो इस ड्राइंग को यहाँ भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब ये कान जैसी शेप नज़र आने लग गई है, तो कोई भी देखेगा तो उसे कान ही बोलेगा। तो ड्राइंग कभी भी हम जब भी करते हैं, कभी भी किसी भी पॉइंट पे वो कंप्लीट नहीं होती, हमेशा उसमें गुंजाइश होती है कि कुछ ना कुछ उसमें और काम हो सकता है। तो ये वो वाली स्टेज है जब हम इसे छोड़ सकते हैं एज इट इज़, और अगर इसमें हम और लेयर्स अप्लाई करें और थोड़ा इसे टाइम दें तो ये और बेटर होती रहेगी।
तो चलिए इस ड्राइंग की जर्नी को, इस वीडियो की जर्नी को थोड़ा सा हम टाइम और देते हैं, कुछ लेयर्स और अप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं हमें कैसे रिजल्ट्स अचीव हो रहे हैं। इस वीडियो में, इस ड्राइंग में मैंने जो पेंसिल्स यूज़ करी हैं, 2B, HB, 5B, 8B और 10B यूज़ करी है, और नीडेबल इरेजर यूज़ हुआ है इसमें, और टिश्यू पेपर यूज़ हुआ है। आर्टिस्ट जब भी अपनी ड्राइंग को, अपनी क्रिएशन को रिव्यू करता है, उसमें कुछ ना कुछ उसे कमी हमेशा नज़र आती है, और उसमें एडिटिंग का स्कोप हमेशा नज़र आता है। तो इस पॉइंट पे मैं इसको जब भी देख रहा हूँ, मुझे कुछ ना कुछ एडिटिंग बार बार नज़र आ रही है। इवन जब मैंने इसको कंप्लीट किया है, उसके बाद भी मुझे इसमें बहुत सारा काम नज़र आ रहा था कि और हो सकता है, ये और बेटर हो सकती है। बट हमारे साथ हमेशा टाइम की बाउंडेशन होती है, और वो सभी के साथ है, तो हम एक टाइम फ्रेम में से रैप करेंगे। तो देखिए, आपको कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक शेयर करना हो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करना, और मैं ट्राई करता हूँ जिस टाइप के मुझे सजेशंस मिल रहे हैं, मैं उन टॉपिक्स को कवर करूँ और उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ। मैं अलग अलग मीडियम भी ट्राई करूँगा, अभी किसी एक ड्राइंग को मल्टीपल मीडियम्स के साथ भी ड्रॉ करके कोई वीडियो बनाऊँगा। तो देखते रहिए, सजेशन शेयर करते रहिए आप लोग भी।